बलिया जनपद के सदर तहसील में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जी हाँ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि मतदाता सूची में मतदाताओं की फोटो के स्थान पर फिल्म एक्ट्रेस सनी लियोन की फोटो तो किसी पर कबूतर की फोटो तो कहीं किसी पर हिरण की फोटो लगा रखी है। यही नहीं, पूर्व मंत्री सपा नेता नारद राय के फोटो के स्थान पर हाथी का फोटो लगाया गया है। विद्यालय है किराए पर दिए गए इसी हिस्से में पूर्व में माइक्रोबायोलॉजी विभाग हुआ करता। ये जो हमारा 361 बलिया नगर की विधानसभा है, इस विधानसभा क्षेत्र में अभी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्य चल रहा था। उसी पुनरीक्षण कार्य के दौरान जब ये फाइनलाइज स्टेज पे चल रहा था, तभी एक कुछ गलतियां संज्ञान में आई कि कुछ लोगों के नाम के आगे फोटो बदल दिए गए और कुछ फोटो किसी और के लगा दिए हैं। इसकी जब जानकारी हुई तो तत्काल निर्वाचन आयोग के संज्ञान में इस बात को डाला गया, क्योंकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के कार्य 15 तारीख को बंद था, 15 तारीख से बंद था। तो ये कार्यवाही में भेजा गया और फिर उसके जो सही फोटो चित्र थे उनके वो लगाए गए। सर, किसी आदमी फोटो बदल के किसी आदमी का नहीं लगाया गया है, किसी जानवर का लगाया गया है, किसी चिड़िया का, कहीं कबूतर का, कहीं हिरण का, कहीं हाथी का, कहीं सनी लियोन का, ऐसे ऐसे 7-8 मामले मिले हैं और उसी के आधार पर पूरे जनपद में फिर जांच भी कराई गई है सभी SDM से कि उनके यहाँ जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं या जो भी गणमान्य विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं या राज्यसभा के मेंबर हैं या हम तो जिला प्रशासन को दोषी मानते हैं कि जिला प्रशासन के लोग जिनके जिम्मे वोटर मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम दिया गया था उनकी जिम्मेदारी है इसको ठीक कर। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ तक आप जान लीजिए कि और देशों में नहीं बल्कि अपने पड़ोसी देश नेपाल में जब हम जाते हैं तो इसी वोटर ID से हमारी पहचान होती है और हमको नेपाल जाने की अनुमति मिलती है। बहुत बड़ा हथियार है आज की तारीख में मतदाता पहचान पत्र, जिसके लिए हम लोगों की सरकारों ने बहुत मेहनत किया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी से लेकर अखिलेश यादव जी की जब सरकार रही, हम लोगों ने इस पर बहुत ही ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में काम किया और हम लोग स्वयं अपनी गाड़ी भेज करके और लोगों को फोटो खिंचवाते थे और वोटर में उनको शामिल कराने का काम किया जाता था। आज की तारीख में न यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई इस तरह का इंतजाम है और न प्रशासन की तरफ से इस तरह का इंतजाम है। उसी का है खामियाजा कि जैसे तैसे एक फॉर्मेलिटी पूरी करी जा रही है और उसके चलते इतनी बड़ी खामियां आपके सामने नजर आ रही है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को दोषी मानता हूँ। एक तरफ कोतवाली सलाम कर